बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल हॉट फ्लेम। आज हम बनाएंगे मज़ेदार से हाफ़ मून चिकन पाइस। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये डिश बन जाती है और बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए बहुत ही आइडियल है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसकी डो तैयार करेंगे। उसके लिए एक पैन में हमने लिया है 1.5 कप पानी। उसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून शुगर यानी चीनी और 2 टीस्पून के करीब घी या बटर, कुछ भी आप इसमें डाल दें। ये तमाम चीज़ें इसमें डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको एक बॉयल आने तक पकाएंगे। पानी को देखें, बॉयल आ चुका है। जैसे ही पानी को बॉयल आएगा और इसमें चीनी और नमक अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे, हम इसका फ्लेम करेंगे ऑफ और इसके अंदर 1 कप इसमें मैदा डाल देंगे और इसको अंदर डालते ही हम इसको मिक्स कर देंगे। इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स करेंगे कि इसमें कोई लंप ना बने। और इसको इस तरह से अच्छी तरह इसमें मिक्स करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके हम छोड़ देंगे रूम टेम्परेचर पर, ताकि ये हॉट से वार्म टेम्परेचर पर आ जाए। तकरीबन 15 मिनट के लिए हमने इसको छोड़ दिया। अब ये नॉर्मल टेम्परेचर पर आ चुका है। हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। अब ये काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका है। अब हम इसको थोड़ा सा नीट कर लेंगे। देखिए, इस तरह से थोड़ी देर नीट करने के बाद हम अपने हाथ के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसको अच्छी तरह से उसके ऊपर ऑयल लगाकर इसको हम मज़ीद 10-15 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे और इस दौरान हम इसकी फिलिंग तैयार करेंगे। डो को तैयार करके हमने साइड पे रख दिया। अब तैयार करेंगे उसकी फिलिंग। उसके लिए फ्राइंग पैन लें और उसमें डालेंगे हम तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल। इसके अंदर एक मीडियम साइज़ का प्याज, ये देखिए फाइन चॉप किया हुआ है, इसको हम डाल देंगे। और इसको डालने के बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, तकरीबन 30-40 सेकंड तक। तो ये हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा, इसको हमने ब्राउन नहीं करना। अब इसमें जाएगा 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और इसको भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हल्का सा ये फ्राई हो चुका है। तकरीबन 30 सेकंड के लिए मैंने इसको फ्राई कर लिया। इसकी बड़ी प्यारी सी खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें डालूंगी तकरीबन 200 ग्राम चिकन मैंने लिया है। उसको मैंने थोड़ा सा नमक डालकर बॉईल कर लिया और इस तरह से उसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए। इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। और साथ ही हम ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम, या फिर अपने टेस्ट के मुताबिक आप डालें, सॉल्ट, क्योंकि चिकन को बॉईल करते वक्त भी मैंने थोड़ा सा डाल लिया था। 1/2 टीस्पून इसमें जाएगी ब्लैक पेपर पाउडर यानी काली मिर्च का पाउडर और 1/2 टीस्पून ही इसमें जाएगा पिसा हुआ ज़ीरा। इन तमाम चीज़ों को इसमें डालकर हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे, मिक्स करेंगे और इस स्टेज पर आपने फ्लेम जो है वो स्लो रखना है।
अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर ये कैरेट यानी गाजरें हैं जो मैंने छोटी छोटी सी काट ली हैं, इनको डालेंगे। और 2 टेबलस्पून के बराबर ही ये शिमला मिर्चें छोटी छोटी कटी हुई हैं, इनको हम डाल लेंगे। साथ ही जाएंगी इसमें 2 अदद सब्ज़ मिर्चें, ये भी बारीक बारीक कटी हुई हैं। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद 1 मिनट के लिए हम इसको सिर्फ पकाएंगे। हमने इन सब्ज़ियों को बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है। अब हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे और इसके अंदर ऐड करेंगे हम 3 टेबलस्पून मायोनीज। और इसको इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मेयोनीज़ इसमें अच्छी सी मिक्स हो चुकी है। अब हम इस तमाम बैटर को जो हमने ये तैयार की है फिलिंग, इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। तमाम फिलिंग को हमने निकाल कर एक बाउल में रख लिया है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। फिलिंग हमने तैयार कर ली है और इस मैदे को भी कवर करके रखे हुए हमें तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके हैं। आटा बहुत ही अच्छा तैयार हो गया है। अब हम इसको बेल कर इसकी एक बड़ी सी रोटी तैयार करेंगे। उसके लिए बोर्ड पे सबसे पहले आप थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लें और इसको आप बेल कर रोलिंग पिन की मदद से इससे एक बड़ी सी रोटी तैयार करेंगे। ये देखिए, हमने इस साइज़ की रोटी बना ली है। अब हम इसकी जो थिकनेस है वो बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो आप किसी कटर की मदद से या किसी बाउल की मदद से आप इसके अंदर इस तरह से इसके गोल सर्कल्स काट लें। इस तरह से इस साइज़ के ये छोटे छोटे से सर्कल्स बन गए हैं। इनको अब हम निकाल के साइड पे रख लेंगे और बाकी जो मटेरियल बचा है इससे हम दोबारा से एक रोटी बनाएंगे और फिर उसके अंदर से जितने भी सर्कल निकल सकेंगे वो हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए, ये इस तरह की शेप में तमाम हमने पीसीस काट के रख लिए हैं। ये हमारे तकरीबन 15 पीसीस बने हैं। अब हम इनको पाई की शेप देंगे। ये देखिए, इस तरह से सबसे पहले आप एक छोटा सा पीस लेंगे, इसके एक साइड पर आप रखेंगे फिलिंग और दूसरे हाथ से आप इसको स्लोली स्लोली उस तरह से सारे इसके किनारों को अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। यूँ बंद करें और उसको हल्का हल्का प्रेस कर देंगे और इसको थोड़ा सा हम यूँ मून की शेप दे देंगे। इस तरह से हम तमाम हाफ मून पाइस बनाकर तैयार कर लेंगे। तो तमाम हाफ मून पाइस जो हैं वो हमने उनकी फिलिंग करके उनको तैयार करके रख लिया है। अब हम इनके ऊपर कोटिंग करेंगे। उसके लिए 2 अंडे लिए, इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून दूध और एक चुटकी डालेंगे उसमें नमक और इसको हम अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। अच्छी तरह से ये बीट हो चुका है। साथ हमने ब्रेड क्रम्स लिए हैं। अब हम इनकी कोटिंग करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम एक पाए को इसके अंदर डिप करेंगे और फिर उसके बाद इसको निकाल के ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे। अच्छी तरह से इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करने के बाद इसको हम इस तरह से एक प्लेट में निकाल के रख लेंगे और तमाम पाइस को इसी तरह से कोटिंग करने के बाद हम इसको फ्राई करेंगे। तो तमाम पाइस को हमने कोटिंग कर ली है। अब हम इसको एक एक करके फ्राई होने के लिए पैन में डालेंगे।
इसको मीडियम टू स्लो हीट पे हम फ्राई करेंगे, और जब एक साइड गोल्डन हो जाएगी तो फिर हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। तकरीबन एक मिनट तक हमने इसको मीडियम टू स्लो हीट पर पकाया है, और इनकी एक साइड देखें बड़ी अच्छी सी गोल्डन हो गई है। अब हम इनकी साइड पलट देंगे और इसी तरह से दूसरी साइड को भी गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। दोनों साइड्स गोल्डन हो गई हैं। अब हमें इसे किसी बड़े अच्छे से एब्जॉर्बिंग पेपर के ऊपर इनको निकाल लेंगे। तो डिश आउट कर दिए हैं मैंने ज़बरदस्त से चिकन हाफ मून पायस। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। बाहर से बहुत ये क्रिस्पी बने हैं लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट हैं। आपको ये यकीनन बहुत पसंद आएंगे। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।